हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस मॉड्यूल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं आपको इन अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ये समझाऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, और नीति आयोग ने जो एक स्ट्रेटजी पेपर लेके आया है उसका रेलेवेंस क्या है भारत के लिए। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इस टेक्नोलॉजी की हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, व्हाट्स द इनहेरेंट यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। दिस होल सीरीज इज ब्रॉट टू यू बाय मी, माय नेम इज कोविद वर्मा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इस लेक्चर के डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इसके बारे में हम बात करेंगे वो है डेटा। ह्यूमंस डेटा के साथ क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ब्लॉकचेन का इस काम में क्या यूटिलिटी है, इसके बारे में बात करेंगे। इस मॉड्यूल में जिसमें 6 लेक्चर्स और रहेंगे, उसका क्या कंटेंट है, इस कंटेंट का क्या सोर्स है, किस सोर्स से ये मॉड्यूल बनाया गया है, और इसमें इस मॉड्यूल की यूटिलिटी क्या है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी, जैसे ये किस एग्ज़ाम में आ सकता है ये टॉपिक, और आप ये टॉपिक को जानने के बाद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। डेटा क्या होता है? डेटा इज अ वैल्यू। वैल्यू किस चीज़ की? वैल्यू किस चीज़ की? किसी भी वेरिएबल के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। वैल्यू या तो क्वालिटेटिव हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल राम इज़ वेरी टॉल। वैल्यू क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल राम इज 6 फीट टॉल। चलिए इस केस में, इस दोनों एग्जाम्पल में हमने हाइट को वेरिएबल माना है और उस हिसाब से हाइट कैलकुलेट करी है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब अगर आपके पास ये टेलीग्राम आए, योर मदर इज सीरियसली इल, प्लीज कम होम सून, तो आपका पहला रिस्पांस क्या रहेगा? क्या आप सबसे पहली ट्रेन जो आपके घर को जाती है उसे कैच कर लोगे, या आप इस बात को किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से कंफर्म करोगे कि क्या वाकई में मेरी माँ बीमार है? कोई आपसे झूठ क्यों बोलेगा? शायद वो आपको बेवकूफ बना रहा हो, या कोई कंस्पिरेसी, शायद जिस ट्रेन को पकड़ के आप जाने की कोशिश करो वो उस ट्रेन में वो बंदा बैठा हो और आपको मारने की कोशिश कर रहा हो, या जिस ऑफिस को आप छोड़ के जाओ उस ऑफिस को वो जलाने की कोशिश कर रहा हो। ही कैन डू एनी थिंग इन योर एब्सेंस, ठीक है, बिकॉज आप जो भी करोगे दैट वुड बी प्रिटी प्रडिक्टेबल। तो डेटा को ब्लफ करना इंसानी फितरत है, क्योंकि उससे वो अनएथिकल एंड्स अचीव कर पाता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग डेटा को ब्लफ करके कोई अनएथिकल एंड अचीव करना चाहते हैं, तो इसीलिए हमको ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों सही है या नहीं। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे अगर मैं इंफॉर्मेशन की जगह डेटा वर्ड यूज़ करता हूँ वो भी सही कहलाएगा। चलिए अगर मैं आपको ये पासबुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं इनको बोलूं कि इनको बाय हार्ट आप याद कर लो, और फिर उसके बाद यू प्रोड्यूस इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो आप क्या ऐसा कर पाओगे? इनफैक्ट अगर आपको अपनी मेमोरी पे बेस्ड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके बेसिस पे अगर आपको पैसों का लेन देन करना पड़े तो यू कैन इनकर अ ह्यूज लॉस। मतलब जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, उसको रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। अच्छा अब एक बात करते हैं, अ पीस ऑफ लैंड विच बिलोंग्स टू आमिर, ये एक जगह पे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब अगर ऐसा हुआ कि मैंने उसमें चेंज कर दिया और कहा कि दिस पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू अमित, तो मेरे को यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ा, एक लेटर को उड़ाना पड़ा और एक लेटर आर को चेंज करना पड़ा टी में। तो अ चेंज ऑफ जस्ट 2 लेटर्स कैन रिजल्ट इन द चेंज ऑफ ओनरशिप। मतलब रिकॉर्डेड डेटा को हमें इम्यूटेबल या नॉन चेंजेबल बनाना पड़ता है, दिस इज ऑल्सो अ ह्यूमन रिक्वायरमेंट। अच्छा अब यही आमिर और अमित जो है वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं किस चीज के बारे में, कि लैंड किसका है।
तो यहाँ पे कोर्ट आता है, ऑब्वियसली कोर्ट जो है अपना जजमेंट किसके बेसिस पे देगा, जो सही डेटा है उसके बेसिस पे देगा। तो डेटा ऐसा भी होना चाहिए जो एक अप्रोप्रिएट पार्टी को एक्सेसिबल हो, कोर्ट अगर उस डेटा को देखना चाहे तो उसके पास भी उसका एक्सेस होना चाहिए। डेटा शुड बी एक्सेसिबल टू अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स। तो इन शॉर्ट, अगर हम जो हमने अभी अभी बातें करी उनको अगर हम चार पॉइंट्स में लिखना चाहें, तो पहली बात, डेटा और उसका सोर्स दोनों को वेरीफाई करना पड़ता है। दूसरा, डेटा शुड बी रिकॉर्डेड। तीसरा, डेटा, रिकॉर्डेड डेटा शुड बी इम्यूटेबल। और चौथा, डेटा शुड बी एक्सेसिबल टू अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स। फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन की यूटिलिटी इन चार रीजन से बहुत ज़्यादा है। ब्लॉकचेन हेल्प्स अस इन अचीविंग दीज फोर ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज व्हाई ब्लॉकचेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लॉकचेन, मैं अपने ब्लॉकचेन वाले मॉड्यूल में या कोई भी दूसरे मॉड्यूल में अगर ये वाला इस कलर का स्लाइड ले आता हूँ, तो मतलब आप समझ जाइएगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये समरी स्लाइड का जनरली यही वाला कलर रहेगा। दिस इज हाउ यू वुड अंडरस्टैंड कि भैया कौन सा पार्ट ऑफ द स्लाइड जो है उसको हमें एज अ टेक अवे लेके जाना है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी रहती है, सारी चीज़ें समझनी रहती है और कुछ चीज़ें याद करनी रहती है। दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू लर्न टू रिमेम्बर। ठीक है, ओके, आपको रिवाइज करते टाइम आसानी पड़ेगी। देखिए, इस मॉड्यूल का क्या कंटेंट है, हम इसको, दिस वॉज पार्ट जीरो वाई दिस कोलावरी, एंड इसके बाद हमारे पास छह पार्ट्स बाकी रहते हैं। उसमें धीरे धीरे परत दर परत हम समझेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में यूज़ आने वाले जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर, हैश वैल्यू, ब्लॉकचेन से जुड़ी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद ब्लॉकचेन के क्या अलग अलग यूजेस हो सकते हैं, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन का सबसे कॉम्प्लेक्स यूज़ है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये सीरीज कुल मिला के इट वोंट टेक यू मोर देन लेट्स से 50 मिनट्स। ठीक है, इस मॉड्यूल का सोर्स क्या है? देखिए, सबसे पहले जो मेन रिसर्च पेपर काम आया था इसको बनाने के लिए, दैट इज एन ओवरव्यू ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर कंसेंसस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल जो है, ये रिसर्च पेपर, दिस वॉज प्रेजेंटेड इन द सिक्स्थ इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन बिग डेटा। ठीक है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड सी इट फॉर योर सेल्फ। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स इज नीति आयोग का ये स्ट्रेटेजी पेपर ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो नीति आयोग ने जनवरी 2020 को रिलीज किया था। नीति आयोग इज इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग न्यू दिस थिंग स्ट्रेटेजी पेपर ऑन ब्लॉकचेन। जब वो रिलीज करेगा तो उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इज बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। दिस इज बेसिकली, यू नो, दिस इज द पेपर इन विच सातोशी नाकामोटो, हुम वी डोंट नो वेदर ही इज अ मैन और अ वुमेन और अ ट्रांसजेंडर और एन ऑर्गेनाइजेशन, अ टेररिस्ट, पॉलिटिशियन, वट एवर, वी डोंट नो, वी जस्ट डोंट नो हु सातोशी नाकामोटो इज, बट दिस गाय इन दिस इंडिविजुअल और हु एवर इन 2008 वॉज एबल टू पुट इन राइटिंग द कंसेप्ट ऑफ हाउ शुड वी यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर अ फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर अ करेंसी सिस्टम। जो करेंसी उसने प्रपोज करी थी दैट वॉज नेम्ड एज बिटकॉइन। तो ये तीन, इसका भी लिंक आपको, इन तीनों का लिंक यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप यू कैन हैव अ लुक एट द सोर्स फॉर योर सेल्फ। चलिए, अब बात करते हैं इस यूटिलिटी की, इस मॉड्यूल की यूटिलिटी की। तो सबसे पहले तो ये आपको यूपीएससी में काम आएगा फॉर श्योर। यूपीएससी में देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इंटरव्यू में तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बट इट्स हार्ड फॉर अस टू, फॉर एनी लेमेन, अगर यू आर फ्रॉम दैट टेक्निकल बैकग्राउंड तो शायद आपको आसानी से समझ में आ जाए, बट फॉर अ लेमेन इट्स वेरी हार्ड टू पुट इट इन वर्ड्स। तो इस मॉड्यूल में बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप एमबीए या बीटेक के स्टूडेंट हो तो आपको ये असाइनमेंट बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एमबीए, बीटेक और वॉट एवर कोर्स, आप बीकॉम, बीबीए कुछ भी अगर कर रहे हो तो ये मॉड्यूल जो है आपको असाइनमेंट बनाने में काम आ सकता है।
एंड दिस आई गेस दिस इज़ यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स ऑफ ऑल, क्यूरियोसिटी. ये वॉल्ट डिज्नी ने एक फ्रेज यूज़ किया, इट कीप्स अस मूविंग फॉरवर्ड, एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, ओपनिंग न्यू डोर्स. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, बी क्यूरियस. एंड अगर आप इफ़ यू वॉन्ट टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, प्लीज़ डू विजिट दिस चैनल. ओके, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी यूटिलिटी जो है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. देखिए क्या है, इस मॉड्यूल के एंड में आपको ना 5-6 आर्टिकल्स दिए जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े, द हिंदू के या बिजनेस लाइन के, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन अ बेटर मैनर वंस यू नो द कंसेप्ट. ठीक है, तो मैं Part 1 में आपसे मिलता हूँ, जिसमें मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर समझाने की कोशिश करूँगा इन लेस देन 5 मिनट्स. ओके गाइस, थैंक यू सो मच.